पानी वाले नारियल को एक पॉलीथीन में डाल दीजिए। इस तरह से पॉलीथीन को ऊपर से बंद कर दीजिए, इस तरह घुमा लीजिए और बंद कर दीजिए। अब फ्रीजर में इसे 12 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए रख देना है। 12 घंटे के बाद ही निकालना है इसमें से। 12 घंटे या फिर ओवरनाइट के बाद में फ्रीजर में से नारियल को निकाल लीजिए। इसके ऊपर वाला छिलका छील दीजिए। उफ, इसमें तो जड़ है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, नारियल शायद अच्छा ही हो। अब हथौड़े से या फिर किसी भारी चीज से इस पर इस तरह से मारे, पहले बीच में से सब तरफ से गोल घुमाते हुए मार लीजिए। थोड़ा थोड़ा ये ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा। फिर उसके बाद इस पर सभी तरफ से मारते जाना है। देखिए ये ब्रेक हो चुका है। बस इसमें इस तरह से मारते जाना है। धीरे धीरे इसका छिलका नारियल से अलग हो जाएगा। नारियल का जो ब्राउन वाला पार्ट है वो भी इससे अलग हो जाएगा और हमें पूरा व्हाइट नारियल मिल जाएगा। देखिए इस तरह से ही करना है। बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमें ब्राउन वाला छिलका भी नहीं चाहिए रहता है, जो नारियल के ऊपर एकदम चिपका रहता है। इस तरीके से निकालने से वो भी आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से फटाफट छिलका टूटते जा रहा है और निकलते जा रहा है। वाह, देखिए आधा हो गया है। अब जो आधा बचा हुआ है उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करनी है, वो भी उतनी ही आसानी से निकल जाएगा। नारियल को इस तरह से छीलने में 1 से 1.5 मिनट ही लगते हैं, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। फ्रीजर में रखने के कारण नारियल का पानी और नारियल के अंदर जो उसकी गरी रहती है उसका पानी पूरा जम जाता है, बर्फ हो जाता है। इसके कारण उसका जो हार्ड छिलका है वो जल्दी से अलग हो जाता है। आप भी अब इसी तरह से छीलिए और